उनकी सियासत हमारी पार्टी से छुई थी सो कुछ ना इतफाकिया को पार्टी छोड़कर बीएसपी गए इंडिपेंडेंट ठहर करे मजबूरन दूसरा कोई रास्ता नहीं करको जनता दल को उनको वोट टाइम को जाना मंजूर नहीं कई के वास्ते जनता दल को जाना मंजूर नहीं करो बीजेपी से खतरनाक कालिया कुमार स्वामी करको तो वापस घर से घर को वापस वापसी कती घर वापसी हमारे पार्टी के कैंडिडेट जनक योगेश्वर साहब और हमारे पार्टी के लीडर मेरे छोटे भाई मिनिस्टर म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब हमारे पार्टी के लीडर एक्स नहीं बोल सकता ऑलवेज एक्स कर को बोलने मेरे दिल्ली स्टी हो रहा ठीक है तो कभी भी गरीबों के बीच में गरीबों का दर्द जानने वाला गरीबों के काम करने वाला हर कौम को साथ में लेकर जाना हमारा लीडर डी के सुरेश साहब और एक हमारा उभरता हुआ लीडर नौजवान मेरा भाई मेरे बेटे बेटे की सरकार मोहम्मद नलपार साहब मेरा पुरान एक मिनट और एक टाइगर योगेश्वर साहब बोले टाइगर किसे हराया सो ये निखिल कुमार स्वामी को हराने वाला निखिल कुमार स्वामी को नवे हमारे कालिया कुमार स्वामी को हराने वाला टाइगर इकबाल हुसैन साहब जबीउल्ला साहब हुसैन हमारा ये सदाम साहब सबका चाहिता हमारा सदाम साहब देश में तस्ती फरमाए तमाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग किस मकसद से जमा हुए कोई हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इलेक्शन होता है भाई इलेक्शन आता करके एक बार जो इलेक्शन होता है पांच साल के लिए इलेक्शन होता है पांच साल का कुमार स्वामी बगैर आपके परमिशन के मंडिया को जाके एमपी ठहर के रिजाइन देने की वजह से आज ये इलेक्शन आया हुआ है कुमार स्वामी को दो बार एमएलए बने थे 2018 के अंदर एमएलए बने थे वो किस वोट से बने थे मालूम नहीं ज्यादा मेजोरिटी थी 2018 के अंदर जैसी एस्ट मेजोरिटी इतना 2018 मूव सौ एमएलए मेजोरिटी आगे तो 2018 के अंदर 30,000 के ऊपर मेजोरिटी थी हाल ही के इलेक्शन जो जीते ना सिर्फ और सिर्फ 12,000 वोटों से उन्होंने कुमार स्वामी साहब जीते वजह क्या होगा हमारे पास प्रसन्ना अग्रवाल कोई कैंडिडेट था दो साल से लगातार काम कर लगाता था हमारे आवाम के भी बीच में था सबके बीच में काम कर लेता था तीन महीने इलेक्शन है सर का प्रसन्ना क्या करे जनता दल को जाकर जमने की वजह से हमारे पास कैंडिडेट नहीं था कैंडिडेट ना होने की वजह से चनपटना की तमाम आवाम ये क्या तो भी कर को पूरे मुसलमान कांग्रेस कैंडिडेट वीट है करको कुमार स्वामी को वोट देखो 12,000 में उनकी जीत हुई सो डीके कुमार सर का 1,00,000 के सर का नहीं जमीर अहमद खान के सर का 55,000 से नहीं सिर्फ और सिर्फ 12,000 से लीड हुई लीड होने के बाद उन्होंने क्या बोले ये मेरा स्टेटमेंट नहीं कुमार स्वामी का स्टेटमेंट मंजे मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है वोटा मांगने जाता भी नहीं मंजे वोटा भी देना नहीं करको ये कुमार स्वामी इलेक्शन के बाद ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಚುಪ್ಪಾ ಜೋ ಸಪ್ತ ಹೋರ್ ಚುನಪ್ಪ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಪಜಾಬ್ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡದ ನನಗೆ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಪಜಾಬ್ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ उसे हिजाब भी नको पजाब भी नको कहते उसे वोट आना हिजाब भी नको कहते पजाब भी नको कहते उसे वोट आना कहते जो तुम जमा तुम्हें जो तुम देखी जमा जो तुम उसे क्या की पैसा से क्या की खरीद लेता कहते बीजेपी को जाको मुसलमान से पैसा खरीदे ए कुमार स्वामी तेरी बोली बोल एक एक पैसा चंदा कर को तेरे पूरे खानदान को खरीदने की ताकत मुसलमानों रख पाई कुमार स्वामी के पैसे योगेश को वोट बोलो सर मारे वोट के लग रहा है ये वोटे कोड बड़ी नहीं हो मारे वोट के लग रहा है तो वोटा नहीं होना कहते वोट पूछने आता नहीं कहते ये कौन बोल रहा सो हमारा काला कुमार स्वामी क्या बोलो ऐसा आदमी आपको अब लगातार 10 दिन से क्या कर रहा जद्दोजहद करके मुसलमान के वोट लेने पूछ ले फिर ले को है मैं कुमार स्वामी अब बीजेपी में जाको एनडीए पार्टनर के साथ है बीजेपी अलायंस सुनो बीजेपी के अलायंस को आजू बाजू वाला चुप खड़ा हो जाए सुनो भैया अब उन्हें क्या करे जो आदमी हमने हिजाब पजाब भी नहीं होना मुसलमान के वोटा की मुझे जरूरत नहीं मुसलमान के वोटा में पूछने जाता नहीं मुझे उन्हें वोटा डालने की जरूरत नहीं करके उन्होंने बोली सो
वीडियो के साथ ना दिखा कुमार स्वामी का। अब 10 दिन से क्या कर रहा, लगातार मुसलमान एरिया के अंदर मुसलमान के वोटा होना करो, फिर ले जरा कुमार स्वामी वोटा पूछने आते तो मैं खाली इतना बोलना, एक काम कर बा, तू एनडीए पार्टनर तो बीजेपी के साथ है, तुम्हारा पार्टी का एक एमएलए इतना कर को बीजापुर से जीतिया, एमएलए जीतने के बाद एक बड़ा पब्लिक मीटिंग करता, वो पब्लिक मीटिंग के अंदर ओपन बोलता, मुसलमान बुरखा पहने सोले मेरे पास आना नहीं, दाढ़ी छोड़ी सोले मेरे पास आना नहीं, टोपी पहनी सोले मेरे पास आना नहीं, कौन भी मुसलमान आए तो मैं काम नहीं कर तुम को, तुम्हें लोग भी सोशल मीडिया में देखी, देखे कि नहीं देखी, देखे हाथ उठो कौन कौन देखे वो बराबर नहीं। अब वो कुमार स्वामी के काम करने बोलो, अब बीजेपी पार्टनर ना हो, बीजेपी के साथ ही चेसना पार्टनर ना, उनसे बीजेपी से अध्यक्ष विजयेंद्र जो है ना उसके हाथ से यत्नाल के हाथ से इतना बोल दे, हमें मुसलमाना के काम करती, हमें मुसलमाना के साथ करती, हमें योगेश कुरकु नको जनता दल को वोट देंगे, ताकत रखता क्या पूछो ना बोलने की, वो ताकत रखता क्या, वो नहीं रखता। अब उन्हें क्या कर रहा, वो जदत वक्त ना कम होने की वजह से